औद्योगिक नगरी पीथमपुर के खंडवा ग्राम पंचायत के ग्रामीण योगेश चौधरी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शमशान की सूरत ही बदल दी है। खंडवा के स्वर्गीय भगवान लाल चौधरी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र कमल चौधरी के सुपुत्र योगेश चौधरी एवं ग्रामीणों ने शमशान में बोरिंग करवाया, बोरिंग मोटर डाली और पानी की टंकी का निर्माण करवा कर ग्राम खंडवा के आमजन को समर्पित किया। अब यहाँ लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता है। सालों से शमशान घाट में पानी की टंकी नहीं थी और न ही पीने का पानी, न बोरिंग। अंतिम संस्कार करने वाले रहवासियों ने यहाँ शमशान घाट में न पीने का पानी था, न नहाने का पानी, लेकिन अब योगेश चौधरी और ग्रामीणों के अथक प्रयास से शमशान में पीने का पानी व बैठने की उत्तम व्यवस्था की है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। खंडवा शमशान में हमने ये रखा था कि पानी की टंकी मोटर बना के दिया था, गांव को समर्पित किया था हमारे दादाजी की स्मृति में। गांव खंडवा स्वर्गीय हमारे श्री भगवान लाल जी चौधरी गांव खंडवा की द्वारा स्मृति में बना के दिए थी। पानी टंकी, बोरिंग, मोटर सब लगा के चालू करके दिया, गांव को समर्पित करा हमने। आज गांव खंडवा में हमारे दादाजी श्री भगवान लाल जी चौधरी की स्मृति में गाँव खंडवा में पानी की टंकी, मोटर, पेटी, पानी टंकी बनाकर गाँव को समर्पित करी है। शमशान घाट में गांव खंडवा। आपका नाम और पता बताएं। मेरा नाम योगेश चौधरी। पता? गांव खंडवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।